दोस्तों पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कि चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर नंबर 4 में देखिए हमें पढ़ना है जो है कि कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी ट्रांसमिशन लाइन में जो के संरचनात्मक लक्षण होते हैं उनको हमें पढ़ना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? देखिए सपोर्ट यहाँ पर है कि ओवरहेड लाइन को क्षैतिज स्थिति में साधने वाली ऊर्ध्वाधर युक्ति को हम सपोर्ट कहते हैं। ओवरहेड लाइन को क्षैतिज स्थिति में साधने वाली ऊर्ध्वाधर युक्ति को सपोर्ट कहते हैं, यानी जो हम ओवरहेड लाइन ले जाते हैं सपोर्ट की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। अब देखिए इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट हमको देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट है, सपोर्ट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। सपोर्ट होता है दोस्तों दो प्रकार का, एक होता है पोल और एक होता है टावर। तो देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ दिखा रखे हैं कि जो सपोर्ट हमारा होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक पोल और एक टावर। देखिए सपोर्ट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पोल और टावर। तो सबसे पहले हम पोल के बारे में देखेंगे कि पोल टाइप ऑफ पोल, यानी कि अब देखिए पोल कितने प्रकार का होता है, जो पोल हमारा होता है तीन प्रकार का होता है, वुड पोल, स्टील पोल और सीमेंट कंक्रीट पोल, यानी लकड़ी का पोल, स्टील पोल आप जानते हैं जो लोहे का पोल होता है, और सीमेंट कंक्रीट पोल जो सीमेंटेड पोल होता है। अब इसमें देखिए हम देखेंगे वुड पोल के बारे में। वुड पोल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सिंगल वुड पोल होता है और एक क्या होता है, डबल वुड पोल होता है। तो जो सिंगल वुड पोल है और डबल वुड पोल है, तो जो डबल वुड पोल होता है, देखिए सिंगल वुड पोल और डबल वुड पोल जो हमारा है इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि सिंगल वुड पोल में और डबल वुड पोल में थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो डबल वुड पोल है, जो हमारा क्या है डबल वुड पोल है, सिंगल वुड पोल की तुलना में 2 से 4 गुना जो है कि अधिक जो है कि इसकी जो है कि स्ट्रेंथ होती है, और इसका प्रयोग हम टर्मिनल पोल या जब पोल पर हमें ट्रांसफार्मर को लगाना हो तो उस स्थिति में डबल पोल का यूज हम करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने दिखा रखा है सिंगल पोल और डबल पोल, और जो डबल पोल होता है ये दो प्रकार का होता है, ए टाइप और एच टाइप। देखिए ए टाइप हो गया और ये कितना क्या हो गया, एच टाइप। ये तो हमारा क्या था, वुड पोल था। अब हम देखेंगे नंबर 2 स्टील पोल। कौन सा पोल देखेंगे, स्टील पोल। अब देखिए स्टील पोल है ये, स्टील पोल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए स्टील पोल जो होता है हमारा यहाँ से देखिए हमने दिखा रखा हुआ है तीन प्रकार का होता है, एक ट्यूबुलर पोल स्टील पोल, एक लैटिस पोल और एक होता है सॉलिड पोल। अब देखिए ट्यूबुलर आप जानते हैं कि जो बिल्कुल जो है कि गोल आकृति का पोल होता है, इस टाइप का पोल होता है, ये ट्यूबुलर पोल जो है कि ऐसा पोल होता है ट्यूबुलर पोल। फिर लैटिस पोल होता है, लैटिस पोल बिल्कुल जो है कि इस टाइप के आता है लैटिस पोल, और एक गार्डर पोल होता है। आपने देखा होगा जैसे रेलवे की लाइन देखी होगी आपने, तो वो बिल्कुल वो गार्डर पोल ही है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर ट्यूबुलर पोल हो गया, लैटिस पोल हो गया और क्या हो गया, सॉलिड पोल। तो सॉलिड पोल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक गार्डर पोल होता है और एक होता है रेल पोल। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टील पोल के बाद सीमेंटेड पोल। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर सीमेंटेड पोल, तो सीमेंटेड कंक्रीट पोल। अब सीमेंट कंक्रीट पोल भी दो प्रकार का होता है, देखिए एक होती है हमारी RCC और एक होता है देखिए यहाँ पर PCC, एक होती है हमारी PCC और एक क्या होती है RCC। तो PCC यहाँ पर है प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल, और जो RCC है री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल। देखिए ये RCC है, तो PCC और क्या होता है RCC। इसके बाद हम देखेंगे पोल, ये तो हमारा पोल हो गया, तो आपने देखा ये पोल था,
देखिए इस तरह से है, आप इससे नोट्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपना जो है कि टावर, देखिए क्या हमारा ये टावर, क्योंकि आपने देखा था सपोर्ट दो प्रकार का होता है, पोल होता है और टावर होता है। पोल में आपने क्या देखा, वुड पोल, स्टील पोल और कंक्रीट जो है कि सीमेंट पोल। अभी आपने वुड पोल में देखा, वुड पोल में क्या देखा कि सिंगल वुड पोल, डबल वुड पोल, और जो डबल वुड पोल होता है दो प्रकार का होता है, ए टाइप और एच टाइप। इसी तरह से आपने स्टील पोल देखा, तो स्टील पोल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इस पर तीन प्रकार का आपने देखा, ट्यूबुलर पोल देखा, लैटिस पोल देखा और सॉलिड पोल देखा। सॉलिड पोल दो प्रकार का होता है, आपने देखा था एक गार्डर पोल होता है, क्या होता है, रेल पोल होता है। इसी तरह से अब सीमेंट कंक्रीट पोल, ये भी दो प्रकार का होता है, आरसीसी पीसीसी। इसके बाद हम देखते हैं अब गार्डर, अरे सॉरी ये टावर। अब देखिए इसमें हम देखेंगे टावर, तो टावर देखिए दो प्रकार का होता है, एक नैरो बेस लैटिस टावर और एक होता है ब्रॉड बेस लैटिस टावर। अब ये दोनों जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है SLCT और DLCT। SLCT का मतलब है, यहाँ पर देखिए SLCT दिखा रखा हमने ना, और DLCT इसका मतलब, SLCT का मतलब होता है, SLCT का मतलब हो गया सिंगल लाइन सर्किट टावर, और एक है DLCT डबल लाइन सर्किट टावर, डबल लाइन सर्किट टावर यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखा रखा है। अब देखिए नैरो बेस, अगर हम लैटिस टावर की बात करें तो नैरो बेस में क्या होता है कि जैसे आप भी देखते हैं हमारा टावर होता है, इस टाइप का टावर है, तो ये अभी नैरो बेस है। अब ब्रॉड बेस में क्या होगा, इसी चीज़ को जो है कि ब्रॉड बेस में थोड़ा सा फैल जाएगा और इसकी जो इस पर ये हमारी क्या हुआ है ब्रॉड बेस टावर। देखिए एक चीज़ हमें और ध्यान देना है कि अगर टावर से हम लाइन ले जा रहे हैं तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी कौन सी लाइन जा रही है, सिंगल लाइन जा रही है कि डबल लाइन जा रही है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी टावर से अगर ये हमारा क्या है टावर है, अगर इस किसी भी टावर से इस प्रकार की ये तीन जो है कंडक्टर अगर इस टाइप के गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि सिंगल लाइन है। अगर इसी में से 6 कंडक्टर गुजर रहे हैं तो डबल लाइन है, और इसी तरह से 9 कंडक्टर अगर गुजर रहे हैं तो ट्रिपल लाइन है। तो इस तरह से देख लीजिए इसको, जो हमारा सपोर्ट है, तो आपको मैंने बताया कि सपोर्ट दो प्रकार का होता है, पोल और क्या होता है टावर होता है, और जो पोल होता है वो दो तीन प्रकार का होता है, वुड पोल, सीमेंट स्टील पोल और सीमेंट कंक्रीट पोल होता है। आपने देखा टावर के बाद में देखा दो प्रकार का, नैरो बेस और ब्रॉड बेस होता है, और जो हमारा वुड पोल होता है ये दो प्रकार का होता है, सिंगल वुड पोल, डबल वुड पोल, और डबल वुड पोल दो प्रकार का होता है, ए टाइप और एच टाइप होता है। अभी आपने स्टील पोल देखा, स्टील पोल तीन प्रकार का होता है, ट्यूबुलर होता है, लैटिस होता है, और एक आपका होता है सॉलिड, और सॉलिड होता है दो प्रकार का, एक होता है गार्डर पोल और एक क्या होता है रेल पोल। इसी तरह सीमेंट में PCC होता है और क्या होता है RCC। अब हम देखेंगे ओवरहेड लाइन के कौन कौन से सहायक अंक होते हैं। भाई देखिए वैद्युत ऊर्जा के अगर हम उसका ट्रांसमिशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ट्रांसमिशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखिए वैद्युत ऊर्जा के संचरण वितरण में प्रयुक्त ओवरहेड लाइन के लिए निम्नलिखित सहायक अंगों की आवश्यकता होती है। देखिए सपोर्ट, जैसा कि आपने देखा कि सपोर्ट टाइप आप सपोर्ट देखा। इसके बाद इंसुलेटर, देखिए इंसुलेटर भी कई प्रकार के होते हैं, साइकिल इंसुलेटर होता है, पिन इंसुलेटर होता है, तो इस तरह से हम इंसुलेटर पढ़ेंगे आगे। इसके बाद होता है बेयर कंडक्टर, यानी कि आपके जो कंडक्टर होते हैं लड़ीदार कंडक्टर होता है। क्रॉस आर्म, देखिए क्रॉस आर्म, इस टाइप के क्रॉस आर्म आप देखे होंगे कि ये हमारा पोल है तो उस पर जो है कि इस टाइप के जो है कि क्रॉस आर्म होते हैं, और इस पर जो है इंसुलेटर लगा करके लाइन को ऐसे ले जाया जाता है, आपने देखा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया क्रॉस आर्म, ये इसके पोल के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। फिर इसके बाद आपने देखा है, अब इसके बाद देखिए आपने क्या देखा, स्टे वायर, स्टे रॉड, स्टे वायर आपने देखा होगा जो लास्ट पोल होता है वो पोल झुकने ना पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं स्टे से लगा देते हैं ताकि इसको खिंचाते हैं। ये स्टे वायर है, इस वायर को आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लगाया जाता है इंसुलेटर, जिसे हम बोलते हैं गे इंसुलेटर। अभी हम आपको इंसुलेटर भी आगे पढ़ाएंगे, काफ़ी चीज़ें इंसुलेटर में है। इसके बाद देखिए इसमें है क्लैंप है, कुछ अन्य पदार्थ में भी कुछ अन्य आइटम भी देखे लगते हैं, जैसे फेज प्लेट लगता है,
ये बारबेट वायर लगता है, आपने देखा होगा बारबेट वायर जो होता है। इसके बाद आपका डेंजर बोर्ड लगाया जाता है, जंपर, एक लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करने के लिए जंपर होता है, कनेक्टर होता है, एलए देखिए लाइटनिंग अरेस्टर होता है, स्टोन पैड, देखिए स्टोन पैड कहाँ लगाते हैं, ये हमारे स्टोन पैड। जब हम क्या करते हैं पोल को जब ज़मीन में इरेक्शन करते हैं तो उसमें क्या करता है कि जब गहराई से खुदाई करते हैं तो उसमें पहले एक स्टोन डाल देते हैं, स्टोन डालने के बाद ऊपर से फिर डाला जाता है पोल हमारा, तो इसी को हम बोलते हैं स्टोन पैड। फिर इसके बाद अर्थ वायर, अर्थिंग तो आप जानते ही हैं, फिर उसके अर्थिंग के जो मटेरियल होते हैं वो सब लगाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा था वुड पोल के बारे में देखेंगे, वुड पोल, क्योंकि सबसे पहले आपने देखा था सपोर्ट दो प्रकार का था, सपोर्ट आपने देखा था कि दो प्रकार का था, एक पोल था एक टावर था, तो पोल में आपने देखा था सबसे पहले वुड पोल, तो हम यहाँ देखेंगे वुड पोल, लकड़ी का पोल, लकड़ी के खंभे। देखिए अब वुड पोल जो है हमारा कैसे प्राप्त होता है, किस किस पेड़ का लगाया जा सकता है। देखिए वुड पोल के लिए साल, चीड़, शीशम, बबूल आदि वृक्षों की गांठ रहित, जिसमें गांठ ना हो, गोल परिच्छेद की प्रकृति टेपरित के लट्ठे प्रयोग में लाए जाते हैं। लकड़ी के खंभों को धूप, वर्षा आदि ओला के घासों से बचाने के लिए उसके ऊपर जो होता है एक टेपरित जस्तेदार टोपी लगा दी जाती है। जैसा कि आप देखिए ये हमारा क्या है कि पोल है, इस पोल के ऊपर हमने क्या कर दिया जाता है, एक जो है कि ऐसे जो है कि टोपी लगा दी जाती है ताकि अगर बारिश वरिश हो तो इस पर जो है कि पोल पर पानी क्या करें ऐसे निकल जाए, इस टाइप का। अब देखिए फिर आगे, आदि के आघातों से बचाने के लिए हल्के ऊपर ही टेपरित दस्ते की टोपी लगा दी जाती है। सुरक्षा के लिए इस टोपी को एक तार अर्थ कर दिया जाता है, मतलब एक तार के द्वारा हम क्या कर देते हैं अर्थ कर देते हैं। आपने अर्थिंग पढ़ा होगा, अर्थिंग क्या होती है, ऐसे सुरक्षा के लिए ही मतलब अर्थिंग का उपयोग किया जाता है विद्युत के आघात से बचने के लिए। अब देखिए अभी आपने देखा कि जो हमारे लकड़ी के खंभे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, आपने देखा सिंगल वुड पोल और क्या देखा था डबल वुड पोल, और डबल वुड पोल में हम देखा था दो प्रकार का, ए टाइप और एच टाइप। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंगल पोल, सिंगल पोल की स्पेसिफिकेशन क्या है भाई, देखिए तो पृथ्वी से सामान्य ऊंचाई कितनी होती है 7 से 11 मीटर, अधिकतम स्पान, स्पान का मतलब होता है एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी को स्पान बोलते हैं, जो हम कंडक्टर ये खींच रहे हैं एक पोल से दूसरे पोल के बीच में, तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी मैक्सिमम कितना लेते हैं, ये 60 मीटर लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए अधिकतम लाइन वोल्टेज, इससे अधिकतम कितना वोल्टेज की लाइन ले जा सकते हैं 22 kV की, 22 kV की। लाइफ टाइम इसका क्या होता है 15 से 20 साल का होता है। सेफ्टी फैक्टर 3.5 होता है। शिखर की परिधि जो पोल होता है इसका ये परिधि जो है ये कितना होता है 38 सेंटीमीटर, और आधार की परिधि कितनी होती है 66 सेमी, और गहराई 1.2 से 2 मीटर। देखिए एक दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए हम कैसे पता करेंगे कि हमें पोल को ज़मीन के अंदर कितना जो है कि गाड़ना है, कितना अंदर तक ज़मीन के लिए जाना है। देखिए इसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको मैं बता दूँ, जितने मीटर का पोल हो, मान लें 10 मीटर का पोल है या 12 मीटर का पोल है, 12 मीटर का पोल हमने मान लिया, तो क्या करिए चाहे जितने भी मीटर का पोल हो, 12 मीटर का, 13 मीटर का, 16 मीटर का, 17 मीटर का, जितने भी पोल मीटर का अगर आ जाए, जितने भी मीटर का, तो उसमें सबसे एक टेक्निक जान जाइए, आप लोग सीख जाइए कि जितने भी मीटर का पोल रहे उसमें आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब जैसे 12 मीटर का पोल है तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 मीटर, तो 2 मीटर आप क्या करिए ज़मीन के पोल को अंदर कर दीजिए। अगर आपका मान लेते हैं एग्जाम्पल दैट 9 मीटर का पोल है, 9 में आप 6 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.5 मीटर, यानी कि कहने का मतलब अगर 9 मीटर का पोल है तो उसको क्या करिए 1.5 मीटर कहाँ जाएगा ज़मीन के अंदर जाएगा। तो ये ध्यान रखिए जितने भी मीटर का पोल रहेगा उसमें आप कितने डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए आगे फिर अब हम देखेंगे डबल वुड पोल। देखिए इस पोल की जो स्ट्रेंथ सिंगल पोल की तुलना में हमने आपको बताया भी था कि 2 से 4 गुना क्या होती है अधिक होती है। इसका प्रयोग क्या होता है टर्मिनल पोल या जब हमें पोल पर ट्रांसफार्मर लगाना हो, आपने देखा होगा कि पोल है पोल के ऊपर भी क्या लगा दिया जाता है ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, तो इस स्थिति में इसका उपयोग करते हैं। अभी आप देख लीजिए अब इसमें आपने देखा था ये दो प्रकार का होता है ए टाइप और एच टाइप। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन ऑफ डबल पोल में देखेंगे ए टाइप का स्पेसिफिकेशन। तो देखिए इसमें क्या है ये पृथ्वी से
समान ऊंचाई कितना होती है इसकी, 11 से 13 मीटर। अधिकतम स्पैन कितना है, 80 मीटर, यानी एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 80 मीटर ए टाइप में। और देखिए ए टाइप पोल होता है कैसा, देख लीजिए आप लोग देखे होंगे, ए टाइप पोल ऐसे पोल होता है, इस टाइप का पोल होता है और ये ऐसे पोल होता है। अब इसके बहुत ऊपर क्या लगा दिया जाता है, इंसुलेटर होता है, ऐसे लाइनें जो होती है जाती हैं, आपने देखा होगा इसको, इस टाइप का पोल, ये हमारा ए टाइप का पोल है। तो अब इसमें अधिकतम लाइन वोल्टेज कितना ले जा सकते हैं हम, 66 kV का। लाइफ टाइम इसका लाइफ पीरियड कितना होता है, 20 से 25 साल। सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 3.5। और इसकी गहराई कितनी, 2 से 2.5 मीटर आप ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हैं। और तरीका हमने आपको बता दिया कि जितने भी हाइट का पोल है उसको आप 6 से डिवाइड कर लिए, जो भी वैल्यू आएगी उतने ही ज़मीन के अंदर जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा क्या है, एच टाइप के पोल। देखिए एच टाइप के पोल में क्या है भाई, कि देखिए एच टाइप में क्या, पृथ्वी से सामान्यतः ऊंचाई 12 से 14 मीटर इसकी होती है। अधिकतम स्पैन कितना होता है, 150 मीटर, यानी एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी होती है, 150 मीटर। कौन से पोल में, एच टाइप में। और लाइफ पीरियड इसका कितना होता है, 20 से 25 वर्ष होता है। सेफ्टी फैक्टर 3.5 इसका भी होता है। गहराई कितना होता है, 2.5 से 3 मीटर होता है। गहराई तो आपको पता ही चल गया कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये एच टाइप पोल होता है किस टाइप का, आपने देखा होगा इस टाइप के पोल को देखा होगा, ये एच टाइप के पोल होते हैं। इसके बाद देखिए हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ वुड पोल, यानी कि कास्ट खम्भों के गुणधर्म। देखिए कास्ट खम्भों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं भाई, पहले तो विद्युत के कुचालक होते हैं, भार में हल्के होते हैं, परिवहन कीमत इसकी कम होती है, कीमत में सस्ते भी होते हैं, जंगली प्रदेशों में आसानी से आपको मिल जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में इसको आसानी होती है, इसका स्थापन कार्य सरल होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है आपको कास्ट खम्भों के गुणधर्म। अब हम देखें कास्ट खम्भों के दोष, डिमेरिट्स ऑफ वुड पोल। तो देखिए इसमें क्या क्या, इसमें देखिए इसके दोष होते हैं, इनकी यांत्रिक सामर्थ्य निम्न होती है, इनमें लचक होती है, अतः जब इसको हम तनाव करेंगे एक पोल पर, जब हम लाइन ले जाएंगे कंडक्टर द्वारा, तो एक खिंचाव जब करेंगे तो क्या करेगा, झुक जाएगा। इसमें दीमक लगने का भय रहता है, मतलब जो है कि वाइट एंट जो लगने का इसमें ज़्यादा भय रहता है। इनमें आग लगने तथा इसके जलने का भय होता है। इसका जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, लगभग 20 वर्ष बाद इस प्रकार की संपूर्ण सिरोपट लाइन को फिर से हमें क्या करना पड़ता है, इसका फिर से निर्माण करना पड़ेगा 20 साल बाद। ये देखने में अधिक सुंदर नहीं होते हैं, ये आंधी तूफान व तेज हवा में टूट करके गिर जाते हैं। और देखिए इनमें निरंतर अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, इनमें अनुरक्षण और मरम्मत कीमत इसका अधिक होता है। तो देखिए अभी हमने देखा वुड पोल के बारे में, आपने देखा कि इसका मेरिट्स ऑफ वुड पोल, डिमेरिट्स ऑफ वुड पोल आपने देखा अभी जस्ट। इसके बाद हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे टाइप ऑफ स्टील पोल। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए, और आपको जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल जो है कि मैसेज कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको जो है कि शेयर करिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे।